नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। 40 बच्चों के अल्पाहार सेवा की गई। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि माधव संस्कार सेवा केंद्र के संचालित केंद्र भगत की कोठी जोधपुर में बाली सिंह, नीतू भाटी, संगीता के नेतृत्व में 40 बच्चों को सैंडविच खिलाकर अल्पाहार की सेवा की गई। इस अवसर पर बच्चों को नशे नहीं करने की शपथ दिलाई और नशे से होने वाली कुरूतियों के बारे में जानकारी प्रदान कर गुड टच और बैड टच की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रकारी का अवलोकन कर सराहना की। सेवा कार्यक्रम में एडवोकेट सुनील ओझा, अंकित पुरोहित, अविनाश मुथा, आशीष पुरोहित, महेश जोशी आदि ने सहयोग किया। संवाददाता आशीष पुरोहित। हेलो, बड़ा शोर हो आपके। राजपूत है, मुझे मेरी कक्षा पांचवी में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांदपोल चौका भगत की कोठी जोधपुर है। मेरे शिक्षक गण ने मुझे बताया कि ये शक शब्द पे आपको ये जो शब्द बनते हैं बनाने को कहा, जो मेरे शिक्षक गण ने मेरे को सहयोग किया ऐसे बनाने में। तो मैं अपने शिक्षक गण का आदरणीय से धन्यवाद करता हूँ। आज की प्राथमिक विद्यालय चांदपोल चौका स्कूल में कक्षा पाँच में अध्ययनरत युवराज सिंह नाम है इसका, और इसमें क्ष अक्षर वर्णमाला का उससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं उसके ऊपर एक ड्राइंग बनाई है। तो एक्टिविटी बेस जो होता है उसके आधार पर बच्चा काफ़ी कुछ सीखने में मदद होती है। माधव सेवा समिति शिक्षण सहयोग कुल जोधपुर के 12 सरकारी विद्यालय में अपन शिक्षण सहयोग का काम कर रहे हैं। अभी कुल मिलाकर के हमारे पास 2,565 भैया बहन अध्ययनरत है। शाम में और सुबह कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर अभी 58 संस्कार केंद्र यानी विद्यालय और संस्कार केंद्र संचालित है। ये सभी जो बच्चे हैं, मतलब इन बच्चों को शिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण से, मतलब शिक्षण की व्यवस्था तो है लेकिन इन बच्चों को अतिरिक्त पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण से हमने थोड़ा सा ये काम अपने हाथ में ले रखा है। अभी हम ये आगामी जो भी हमारा जो सत्र चल रहा है, जैसे अप्रैल है, इस अप्रैल में महावीर जयंती है, भारतीय नववर्ष है, इन भैया बहनों को हम इस प्रकार की जानकारी देके शिक्षा संस्कार स्वावलंबन और इसकी हम पूरी पूरी जानकारी इन भैया बहनों को देते हैं। प्रतिवर्ष हमारा परीक्षा का भी आयोजन होता है। अभी हम जो परीक्षा हो जाएगी, सरकारी जो परीक्षा हो जाएगी, उसके पश्चात वार्षिक परीक्षा भी हम लेते हैं और उसके अनुसार जो राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद जो हमारे साथ में निरंतर जुड़ कर के और सहयोग और सेवा का काम कर रही है, तो उनके साथ में मिल करके हम इन भैया बहनों को खेल कूद है, शिक्षा के अन्य व्यवस्था की हम व्यवस्था सभी के आप सभी के सहयोग से हम करते रहते हैं। 7 अप्रैल को माधव सेवा समिति के सहयोग से सभी बच्चों को नाश्ता अल्पाहार करवाया गया, जिसमें नवकार मंत्र का उच्चारण बच्चों से करवाया गया और आगामी सत्र में बच्चों को क्या क्या उत्सव मनाए जाने हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। और ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और संस्था से जुड़े हुए हैं हमारे संगीता मैडम, जो बच्चों को काफ़ी अच्छा शिक्षण करवा रहे हैं। 7 अप्रैल को माधव सेवा समिति के सहयोग से सभी बच्चों को नाश्ता अल्पाहार करवाया गया, जिसमें नवकार मंत्र का उच्चारण बच्चों से करवाया गया और आगामी सत्र में बच्चों को क्या क्या उत्सव मनाए जाने हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। और ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और संस्था से जुड़े हुए हैं हमारे संगीता मैडम, जो बच्चों को काफ़ी अच्छा शिक्षण करवा रहे हैं। गोवा समाज व प्रकोष्ठ बोर्ड से हर माह की 7 तारीख को जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके साथ जाके अल्पाहार की सेवा और उनको जिस चीज़ की व्यवस्था, जैसे पुस्तक है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेंसिल हैं, उनकी सेवा की जाती है। इसी कड़ी में आज दिनांक 7 अप्रैल 2024 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांदपोल भगती कोठी में हम बाली सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ उपस्थित बच्चों को हमने अल्पाहार की सेवा कराई है। हम ये आशा करते हैं कि आप और आपकी संस्था इसी तरह से जो बच्चे हैं उनको संस्कारवान शिक्षा देवें, इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। माधव सेवा समिति शिक्षण सहयोग
कुल जोधपुर के 12 सरकारी विद्यालय में अपन शिक्षण सहयोग का काम कर रहे हैं। अभी कुल मिलाकर के हमारे पास 2,565 भैया बहन अध्ययनरत है शाइम में और सुबह। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर अभी 58 संस्कार केंद्र यानी विद्यालय और संस्कार केंद्र संचालित है। ये सभी जो बच्चे हैं, मतलब इन बच्चों को शिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण से, मतलब शिक्षण की व्यवस्था तो है लेकिन इन बच्चों को अतिरिक्त पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण से हमने थोड़ा सा ये काम अपने हाथ में ले रखा है। अभी हम ये आगामी जो भी हमारा जो सत्र चल रहा है, जैसे अप्रैल है, इस अप्रैल में महावीर जयंती है, भारतीय नववर्ष है, इन भैया बहनों को हम इस प्रकार की जानकारी दे के शिक्षा संस्कार स्वावलंबन और इसकी हम पूरी पूरी जानकारी इन भैया बहनों को देते हैं। प्रतिवर्ष हमारा परीक्षा का भी आयोजन होता है। अभी हम जो परीक्षा हो जाएगी, सरकारी जो परीक्षा हो जाएगी, उसके पश्चात वार्षिक परीक्षा भी हम लेते हैं और उसके अनुसार जो राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद जो हमारे साथ में निरंतर जुड़ करके और सहयोग और सेवा का काम कर रही है, तो उनके साथ में मिल करके हम इन भैया बहनों को खेल कूद है, शिक्षा के अन्य व्यवस्था की हम व्यवस्था सभी के, आप सभी के सहयोग से हम करते रहते हैं।